आप बताइए कि रावण किन दो बातों से प्रबल है, और जब प्रभु रघुनाथ जी ने जयंत पर सीक का बाण चढ़ाया तो रघुनाथ जी को क्रोधित जानकर वह बाण किसके समान हो गया, वह बाण कौन से अस्त्र से अभिमंत्रित होकर चला। प्रसंग दूसरा श्रीमद देवी भागवत पुराण से प्रश्न क्रमांक 44। अंग न्यास के लिए देवी गायत्री के मस्तक में दस्त पट्टी, अंग न्यास के लिए देवी गायत्री के मस्तक में दंत पंक्ति में ग्रीवा में उदर में एवं नाभि में किन देवी का ध्यान भावना करना चाहिए। प्रश्न आप लोग समझ लीजिए, प्रश्न पर्ची में आपको उत्तर लगकर देना है और आप लोगों का समय आरंभ होता है अब। गोपालगंज में इस भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।
बैन गंगा के पावन तट पर और हनुमान महाराज के पावन श्री चरणों में इस भाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी हमारा जय भोले जस मंडल बंगली को जो प्रसंग प्राप्त हुआ है वह है श्रीमद देवी भागवत पुराण का प्रसंग है। अंग न्यास के लिए देवी गायत्री के मस्तक में दंत पंक्तियों में जीवों में उदर में और एवं नाभि में किन देवताओं का ध्यान और भावना करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय बंधुओं प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। अंग न्यास के लिए देवी गायत्री के मस्तक में धौ नामक देवता दंत पंक्तियों में अश्वनी कुमार ग्रीवा में मां सरस्वती उदर में आकाश और नाभि में अंतरिक्ष की ध्यान और भावना करना चाहिए। इसी प्रसंग को हमारी जय भोले जस मंडल प्रस्तुत करती है पारंपरिक जन
Thank you.